हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, मैथ्स विद पवन राव यूट्यूब चैनल में आज आपको एक छोटा सा और नया पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ। इसका पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद उस पर बेस चार पांच क्वेश्चंस करवा दूंगा, जिससे आपके जो भी पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। हम लोग आज की क्लास में, आपको पता है, पिछले 2 या 3 दिन से हम लोग सर्किल पढ़ रहे हैं, और सर्किल के कुछ पॉइंट्स हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोगों ने कॉर्ड्स पढ़ लिया था, हम लोगों ने आर्क के बारे में पढ़ लिया था, और आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को टेंजेंट्स के बारे में। सर्किल की जो टेंजेंट्स होती हैं उनके बारे में मैं पढ़ाऊँगा। और टेंजेंट थोड़ा, वैसे सर्किल ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना 5-6 लेक्चर में कवर हो जाएगा, लेकिन टेंजेंट थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझना। पहली बात कि टेंजेंट होती क्या है, क्योंकि आप आज की क्लास टेंजेंट पर बेस्ड होगी, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पर बेस्ड होगी। तो सबसे पहली बात कि होती क्या है, ध्यान रखना, कोई भी ऐसी लाइन जो सर्किल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करके जाए उसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। ऐसी कोई भी लाइन, ऐसी कोई भी रेखा जो सर्किल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करे उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट या स्पर्श रेखा। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंजेंट या स्पर्श रेखा। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि टेंजेंट या स्पर्श रेखा ऐसी कोई भी लाइन जो सर्किल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करे, ऐसी कोई भी लाइन जो सर्किल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करे उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट या स्पर्श रेखा। ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंट या स्पर्श रेखा। कोई भी लाइन सर्किल के अगर बाहर है, कोई भी लाइन अगर सर्किल के बाहर है, कोई भी पॉइंट, सॉरी, कोई भी पॉइंट सर्किल के अगर बाहर है तो उससे खींची जा सकने वाली कॉमन टेंजेंट्स की जो संख्या होती है वो होती है 2। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन आप लोगों को पता होने चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन आपको पता होने चाहिए, कोई भी पॉइंट अगर सर्किल से बाहर है तो उनसे खींची जा सकने वाली टेंजेंट्स की जो संख्या होगी वो 2 होगी, और कोई भी पॉइंट अगर सर्किल के ऊपर है तो उससे खींची जा सकने वाली टेंजेंट्स की संख्या 1 होगी, और कोई भी पॉइंट अगर सर्किल के अंदर है तो उनसे खींची जा सकने वाली टेंजेंट्स की संख्या होगी 0। पहला पॉइंट, धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा आपको पढ़ाने का तरीका आपको पता है मेरा, मैं हमेशा ये मानकर चलता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता और फिर धीरे 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 अपने स्टैंडर्ड को हम लोग बढ़ाते हैं। पूरा मैं बेसिक से आप लोगों को बताता हूँ कि क्यों आया, कैसे आया, कहाँ से आया, जिससे आपके कंप्लीट बेसिक क्लियर हों, और अगर आपके बेसिक क्लियर होंगे तो फिर आप लोग आसानी से क्वेश्चंस कर पाओगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को बार बार हर लेक्चर में कहता हूँ कि जिस टाइप से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जिस टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ, वो किसी भी आपको नोटबुक, किसी भी आपको बुक में या किसी भी नोट्स में या कहीं पर भी ऐसे इस टाइप से सिस्टमेटिक नहीं मिलेगा कि पहले हम लोग आर के बारे में पढ़ लें, उसके जस्ट बाद एक साथ कोड वाली मिक्स करके, पहले आर, बीच में टेंजेंट घुस गया, बीच में कोड घुस गया, बीच में ये आ गया, बीच में ये आ गया, सारी चीज़ें आप मिक्स हो जाती हैं। मैं आपको सेपरेट तरीके से, और ये चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस से ही आई हैं, कि कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आए। तो हम लोग सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं, तो इनके साथ आप लोग नोट्स बनाते चलना। तो ध्यान दो, यहाँ पर याद रखना, रेडियस व टेंजेंट, रेडियस आपको पता होगी क्या होती है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी रेडियस, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण हमेशा होगा 90 डिग्री। क्यों, मैंने कहा है जो भी हमारा पढ़ने का तरीका होगा आप लोग क्यों लगा दीजिए, आपको अपने आप बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। क्यों, देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपको पता है, लग ही गए होंगे। ये वाला मैं समझाता हूँ, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण हमेशा 90 डिग्री होगा। क्यों, देखिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं, पॉइंट वाइज मैं आप लोगों को पढ़ाते चलता हूँ और धीरे 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 हम लोग आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास रेडियस व टेंजेंट के बीच बना एंगल ऑलवेज राइट एंगल होता है, ध्यान रखना क्यों होता है, एक लाइन से एक पॉइंट की डिस्टेंस जो होती है, ये पॉइंट है और ये लाइन है, ध्यान रखना किसी भी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस अगर होती है तो कोई स्टूडेंट कहेगा सर डिस्टेंस ये भी है, कोई कहेगा डिस्टेंस ये भी है, कोई कहेगा डिस्टेंस ये भी है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, पॉइंट तो बहुत छोटा है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये चीज़ें एकदम आसान है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर हम लोग इसको मिला दें, यहाँ से अगर हम लोग इसको मिला दें तो ध्यान रखना पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा और हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लाइन और पॉइंट के तो बहुत सारी डिस्टेंस है लेकिन कभी भी लाइन और पॉइंट के डिस्टेंस का मतलब होता है हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब होता है हमेशा मिनिमम डिस्टेंस।
किसी भी लाइन और पॉइंट, यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये लाइन है, तो ये डिस्टेंस, बहुत सारी डिस्टेंस हैं, अपने को मिनिमम डिस्टेंस लेनी है, और मिनिमम डिस्टेंस हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम लोग प्रूव करेंगे कि ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये मिनिमम डिस्टेंस है। याद रखना मिनिमम डिस्टेंस, कभी कभार इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मिनिमम डिस्टेंस ऑलवेज राइट एंगल बनाएगी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग एक इस पॉइंट को मिलाएं, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट को अगर मिलाएं, तो ये तो रेडियस है, रेडियस हमेशा बराबर होती है, इसमें कुछ ऐड कर रहे हो तो क्या यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर प्लस ए होगी क्या? इसके अलावा कोई भी डिस्टेंस ले लो, ये डिस्टेंस ले लो, आर में कुछ ऐड कर रहे हो तो इससे तो ज़्यादा ही होनी है। इसके और नज़दीक ले लो, चाहे यहाँ पर ले लो आप लोग, लेकिन आर प्लस समथिंग कुछ ऐड कर रहे हो आप लोग, तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो इस पॉइंट और इस लाइन के बीच मिनिमम डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ आर ही हो सकती है। और मिनिमम डिस्टेंस कभी भी हुई तो वहाँ पर बना कोण 90 डिग्री होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। कभी भी मिनिमम डिस्टेंस अगर हुई तो वहां पर बना कोण 90 डिग्री, पहला पॉइंट याद रखना। आगे चलते हैं। तो मैंने आपको समझाया कि अपने पास रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री क्यों होता है, राइट एंगल क्यों होता है, यह चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की। थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं और अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूं, ध्यान रखना। ये आसान आसान पॉइंट मैं एक बार बता रहा हूँ आप लोगों को। सर्किल के बाहर से डालेगी दोनों टेंजेंट्स की लेंथ, सर्किल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो उससे डालेगी दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा इक्वल होती है, पी से ए तक और पी से बी तक हमेशा बराबर होगा। सर्किल के बाहर डालेगी दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा इक्वल होगी, क्यों? देखिए ये इसका सेंटर है, क्यों होती है मैं बता रहा हूँ। ओ से ए को मिला दो, ओ से बी को मिला दो और ओ से पी को भी मिला दीजिए। तो ध्यान रखना रेडियस हमेशा बराबर, ये कोण 90 डिग्री है रेडियस व टेंजेंट के बीच। अभी भी मैंने 2 सेकंड पहले ही बताया रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है, और अपने पास 90 डिग्री बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर, दोनों ट्रायंगल में एक तो राइट एंगल है, हाइपोटेनस दोनों की कॉमन होने के कारण बराबर है, और एक साइड रेडियस होने के कारण बराबर है, आर एच एस से कॉन्ग्रेंट हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए तो क्या बची हुई जो साइड है ये भी बराबर होगी। तो ध्यान रखना अपने पास एक ही जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है, ये पॉइंट आप लोग लिख सकते हो। एक ही जगह से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो हमेशा बराबर होती है, एक ही जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, क्यों होती है वो मैंने समझाया है। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ चलते जाएंगे हम लोग। ध्यान रखना रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण जैसे 90 डिग्री होता है, वैसे ही एक अपने पास थ्योरम है और वो ये है कि कभी भी अगर अपने पास, ध्यान रखना, टेंजेंट व कोण के बीच बना एंगल, ये कोण अगर टेंजेंट व कोण के बीच बना कोण, ये कोण अगर थीटा है तो इस टेंजेंट द्वारा इधर कहीं भी कोण बने वो हमेशा थीटा होगा। टेंजेंट व कोण के बीच बना कोण अगर थीटा है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एकांतर खंड पर में। टेंजेंट व कोण, जीवा व स्पर्श रेखा, दोनों लैंग्वेज में मैं पढ़ाऊंगा, दोनों लैंग्वेज में मैं बोलता हूँ, टेंजेंट व कोण के बीच बना एंगल अपने पास थीटा अगर है तो इस कोण द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट, अल्टरनेट सेगमेंट मतलब विपरीत साइड, इधर कहीं भी कोण बने वो हमेशा थीटा होगा, आप लोग याद रखना। ऑल्टरनेट्स आई क्यों ये तो मैं अभी समझाऊंगा ही, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट तो समझ में आया कि क्या हमें समझना क्या है। ध्यान रखना ये जो थ्योरम्स हैं, सर्किल ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चंस आप लोग थ्योरम पढ़ लोगे और ये 100% समझ में आ जाएंगी। लेकिन होगा क्या, जब तक आप लोग इन पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं करोगे, आप लोग इनको काम में नहीं ले पाओगे, आप लोग भूल जाओगे। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि जैसे आप लोग पढ़ तो लेते हो लेकिन काम तभी ले पाओगे जब आप लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करोगे, ये आप लोग याद रखना। तो देखो मैंने क्या समझाया, अल्टरनेट सेगमेंट का मतलब, एकांतर खंड का मतलब, मैं ये समझा रहा हूँ आप लोगों को कि इस प्रकार से ये कोण अगर अपने पास थीटा है तो अल्टरनेट सेगमेंट विपरीत साइड इधर बना कोण थीटा होगा। स्पर्श रेखा व जीवा के बीच बना कोण थीटा है तो जीवा द्वारा एकांतर खंड, वैसे तो मैथ्स में तो एकांतर खंड या अल्टरनेट सेगमेंट बोलेंगे, यानी कि अपनी अपनी भाषा में समझने के लिए आप बोल सकते हो विपरीत साइड होना चाहिए, इधर थीटा है तो विपरीत साइड इधर बना कोण थीटा होगा, क्यों? देखिए क्यों होता है ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ आपको। इस प्रकार से अपने पास है, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको सही समझ में आए। इस प्रकार से ये कोण मान लीजिए थीटा है तो हमें प्रूव करना है कि ये वाला कोण भी थीटा होगा,
ये कोण थीटा है तो ये प्रूव कर दो थीटा होगा, या इसको थीटा लेकर ये प्रूव कर दो ये थीटा होगा, बात एक ही है। हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, कोशिश करना समझने की सभी लोग। ये अपने पास पॉइंट ए है, ये अपने पास पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी मान लो, ये कोण थीटा ले लिया और हमें प्रूव करना है कि ये कोण भी थीटा होगा। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए यहाँ से ये सेंटर अगर है तो इसको मिला दीजिए आप लोग, ध्यान देना ओ से बी तक और ओ से बराबर होगा। क्यों, जब मैं आप लोगों से पूछूं कि ऐसा क्यों हो रहा है तो जहां पर भी आप लोग बैठे हो आप लोग मुझे बताना कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको बोलना चाहिए, जैसे मैं बोलता हूं क्यों तो आपको बोलना चाहिए कि सर रेडियस बराबर होते हैं इसलिए दोनों बराबर। जैसे मैं बोलता हूं समझ में आया तो आपको हाँ ना ऐसे कुछ बोलना है, जहां पर आप बैठे हो समझ में आया अच्छी बात है, नहीं आया थोड़ा पीछे से करके वापस देखिए। मुझे बताइए ये वाला कोण 90 डिग्री होगा, क्यों बोलो, क्योंकि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। तो अपने पास ये कोण थीटा है तो इधर वाला जो एंगल है क्या वो 90 माइनस थीटा बच गया क्या, ये 90 माइनस थीटा बच गया अपने पास, तो ये दोनों बराबर हैं। इसके सामने 90 माइनस थीटा तो इसके सामने ये भी जो होगा वो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 में से माइनस करोगे तो ये बचेगा 2 थीटा। और मुझे बताइए किसी भी आर्क द्वारा, परसों के वीडियो में आपने, परसों इवनिंग में जो वीडियो आया था उसमें देखा होगा आपने, इसके द्वारा बना कोण अगर 2 थीटा है तो सर्कमफ्रेंस पर बना जो कोण होगा वो थीटा होगा। ये अपना आंसर है, इसको थीटा लेकर ये 2 थीटा होगा, बचे हुए कोण 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये कंप्लीट अपने पास 90, इधर वाला 90 माइनस थीटा, तो ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं कि ये थीटा होगा। ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, इसको आप लोग लिख सकते हो, टेंजेंट व कोण के बीच बना एंगल, टेंजेंट व कोण के बीच बना एंगल कोण द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में बने एंगल के बराबर होता है। स्पर्श रेखा व जीवा के मध्य बना कोण जीवा द्वारा एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। ये एकांतर खंड क्या है मैं फिर समझाता हूं। देखो जब भी मैं कोई चीज़ एक बार या दूसरी बार या तीसरी बार समझाता हूँ इसका मतलब वो आगे मैं कहीं रिलेट करना चाहता हूँ। जब भी मैं एक बार समझा रहा हूँ, दो बार समझा रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि सर ये चीज़ कैसे समझाते जा रहे हैं तो मुझे समझ में आएगी। इसका मतलब मैं ये एकदम सिस्टमेटिक चल रहा हूँ और अगली चीज़ें इनसे रिलेट करते हुए चलूँगा तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग बोर्ड पर। देखो इस प्रकार से अगर अपने पास कभी भी हो, ध्यान देना आप लोग, मैंने आपको ये समझाया किसी भी मैंने आपको समझाया कि ये वाला कोण अगर x है, ये वाला कोण अगर x है तो अल्टरनेट सेगमेंट में एकांतर खंड में मतलब विपरीत साइड इधर कहीं भी कोण बने वो हमेशा x होगा। मैंने आपको क्या समझाया मैं वापस समझाता हूँ, इधर ध्यान देना बोर्ड पर। इस प्रकार से अगर अपने पास ये वाला कोण, इधर वाला कोण अगर y है, ये वाला कोण अगर y है तो अल्टरनेट सेगमेंट में इस साइड कहीं पर भी कोण बने विपरीत साइड, ये वाला जो कोण होगा ये अपने पास y होगा। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ फिर से समझना, और अब इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को सभी लोग समझना कि कभी भी हमेशा ध्यान रखना किसी सर्किल में, कोई भी सर्किल इस प्रकार से है, इसमें ये वाला कोण अगर अपने पास थीटा है, ये वाला कोण अगर अपने पास थीटा है तो इस साइड कहीं भी कोण बने वो हमेशा थीटा होगा। ये वाला कोण अगर थीटा है, आपको मैं रेड से दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सही समझ में आए, तो ये वाला कोण थीटा होगा। अब अलग अलग डायग्राम जब मैंने बनाए, एक में हमने एक्स ले लिया है, दूसरे में मैंने वाई ले लिया, एक ही डायग्राम में अगर बनाऊँ तो ये कोण थीटा है तो इधर वाला कोण होगा 180 माइनस थीटा, और ये कोण अगर 180 माइनस थीटा है तो अल्टरनेट सेगमेंट विपरीत साइड, जैसे y था इधर, ऐसे इधर जब कोण बनेगा ये वाला जो एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो एंगल बचेगा, ये वाला जो कोण होगा ये 180 माइनस थीटा है तो ये वाला कोण भी हुआ 180 माइनस थीटा। अगर मैं इस चतुर्भुज को नाम दूँ P, Q, R और S, अगर नाम दिया जाए इस क्वाड्रिलेटरल का, अगर P, Q, R और S अगर नाम दिया जाए इस क्वाड्रिलेटरल का, तो ध्यान रखना ये कोण थीटा है और जस्ट सामने वाला ये कोण 180 माइनस थीटा है। एंगल P प्लस एंगल R को अगर ऐड करें तो थीटा प्लस 180 माइनस थीटा, अपने पास थीटा से थीटा कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। मुझे ये बताइए एक क्वाड्रिलेटरल P, Q, R, S, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, अगर इन दोनों का सम अपने पास 180 डिग्री है तो बचे हुए का सम एंगल S प्लस एंगल Q का सम भी कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा।
तो ऐसा आया क्यों, वो तो मैंने विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री क्यों आया ये ध्यान रखना। आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इधर अपने पास एक्स था तो एक्स, वाई था तो वाई, एक ही डायग्राम में लें थीटा तो इधर 180 माइनस थीटा, एक्स की जगह थीटा ले लिया तो ये थीटा है, वाई की जगह 180 माइनस थीटा होगा तो ये 180 माइनस थीटा, इन दोनों का सम अपने पास आया 180 डिग्री। ध्यान रखना ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल, अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर हों, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स P, Q, R और S, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर हों उसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर हो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। और ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। आप लोग ये बात हमेशा ध्यान रखना। क्यों होता है ये चीज़ मैंने यहाँ पर समझा दी, ये थीटा तो ये थीटा, ये 180 माइनस थीटा तो ये 180 माइनस थीटा, ऐड करते ही 180 आ गया, तो दो का सम 180 या चारों का सम 360 होता है, तो बचे हुए दो का सम भी 180 डिग्री, याद रखना। इसको अलग अलग तरीके से भी प्रूव किया जा सकता है, दो तीन तरीके इसके होते हैं प्रूव करने के, लेकिन आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना, इससे आपको थोड़े से पॉइंट रिलेट करते हुए हम लोग चलेंगे जिससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, और चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का जो योग होता है हमेशा और हमेशा 180 डिग्री होता है। और इसका उल्टा भी एकदम ठीक है, यदि किसी चतुर्भुज के चारों वर्टेक्स सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर हैं तो विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री और उसको साइक्लिक बोलेंगे। यदि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का अपने पास किसी चतुर्भुज के चारों वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर हैं तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री। लेकिन कभी भी हमेशा ध्यान रखना, पहले से ये दिया हुआ है कि चतुर्भुज के जो अपोजिट एंगल हैं पी क्यू आर एस या ए बी सी डी जो भी आप मानना चाहो, एंगल पी प्लस एंगल आर बराबर 180 डिग्री और एंगल एस प्लस एंगल क्यू बराबर 180 डिग्री, और वो पूछ ले कि बताओ क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा क्या, तो तुरंत ध्यान रखना ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ये चक्रीय चतुर्भुज होगा। ऐसा कोई भी सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, कर पाना पॉसिबल है, जो इसके चारों वर्टेक्स को टच करेगा। अगर चारों वर्टेक्स को टच कर रहा है तो विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री, और विपरीत कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो चारों वर्टेक्स को टच करेगा, और चारों वर्टेक्स को टच करते ही वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा, ध्यान रखना आप लोग। मैं एक बार फिर समझाता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन, चलो मैं एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ पहले, फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप लोगों को बताता हूँ जिससे, और उस पर बेस्ड आज तक एसएससी ने क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, लेकिन 17 का जैसे पेपर आपने पास आया है, अगला पेपर ऐसा कोई भी आ सकता है, कुछ हम लोगों से पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान देना बोर्ड पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज, और टेंजेंट से ही अपने पास ये चीज़ें मैंने प्रूव किया आपके लिए, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ाई, रेडियस व टेंजेंट के बीच कोण बताया। एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको, एक आसान सा क्वेश्चन, पहले मुझे ये बताइए अगर एक पॉइंट इसके बाहर है पी, पी से ए तक और पी से बी तक दो टेंजेंट्स हैं, एक टेंजेंट पी से ए तक है, दूसरी टेंजेंट पी से बी तक है, पी से ए तक और पी से बी तक इस पर दो टेंजेंट डाल दी, दो इस पर से कहें डाल दी, और उसने पूछ लिया कि बताओ ओ ए पी बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है, आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में, ओ ए पी बी चक्रीय चतुर्भुज है या नहीं है, ऐसा हम लोगों से पूछ लिया। तो ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट तुरंत, जब मैं क्लास में भी पूछता हूँ ये वाला क्वेश्चन, तुरंत स्टूडेंट सोचते हैं कि ओ ए पी बी पर तो सर्किल है ही नहीं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकता, चक्रीय चतुर्भुज नहीं हो सकता। मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप लोग नियम से ऐसे नहीं कि दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, उससे नहीं होता, आप लोग ध्यान देना। मुझे बताओ रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, तो इन दोनों का सम अपने पास हुआ 180 डिग्री, 90, 90, 180, तो बचे हुए दोनों का सम भी 180 डिग्री, क्योंकि चारों का सम होता है 360 डिग्री। मुझे बताइए अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होते हैं क्या, वो साइक्लिक होगा क्या,
दोनों चीजें ध्यान रखना, अगर सर्किल की सर्कमफ्रेंस पर हैं तो वो साइक्लिक होगा और अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो वो साइक्लिक होगा, उल्टा भी एकदम ठीक है। और ऐसे से जो क्वेश्चंस पूछता है वो हमसे उल्टे ही क्वेश्चंस पूछता है। तो यहां पर अपने पास इस प्रकार से एक सर्किल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जिससे अपने पास आंसर आ जाएगा। अगला देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ है, लगभग स्टूडेंट्स का सही था लेकिन तरीका गलत था, आंसर सही था, लगभग स्टूडेंट्स का आंसर सही था। तो ध्यान रखना चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन था वो बोलते भी चलता हूँ, आप लोग सुनना और उसका मैं साथ साथ डायग्राम भी बनाते चलता हूँ। आगे जो कोई और अच्छा क्वेश्चन होगा उसको मैं आप लोगों के लिए लिख दूंगा, लेकिन जो थोड़े से आसान या एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को वैसे भी पता भी होंगे, पहले देखे होंगे, या नहीं देखे कोई बात नहीं, मैं आगे करवाऊंगा भी, क्वेश्चन लिख कर भी दे दूंगा आप लोगों को। लेकिन ध्यान दो, मैं बोलते भी चल रहा हूँ क्वेश्चन को और साथ साथ सोल्व भी करता हूँ आपके लिए। इस प्रकार से है, दो सर्किल एक दूसरे को, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं ताकि अपनी फ्रेम में आए, दो सर्किल एक दूसरे को ए तथा बी पर टच कर रहे हैं, दो सर्किल एक दूसरे को ए तथा बी पर टच कर रहे हैं, ए से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन पहले वाले को काट रही है पी पर और दूसरे वाले को काट रही है क्यू पर। और ये क्वेश्चन जितनी भी मदर्स एजुकेशन हब की क्लासेज होती हैं उनमें मैं ये क्वेश्चन करवाता हूँ, पहले मैं आपको सर्किल की कंप्लीट थ्योरी पढ़ाता हूँ और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स को मैं करने के लिए देता हूँ और मैं पूछता हूँ कि बताओ इसका आंसर कितना होगा। तो लगभग 90% स्टूडेंट्स का आंसर सही होता है लेकिन तरीका गलत होता है, और आप जहाँ भी बैठे हो आपका तरीका भी 99% स्टूडेंट्स का गलत है, कोशिश करना सीखने की। P तथा Q पर खींची गई स्पर्श रेखा है एक दूसरे को T पर मिलती है, ध्यान रखना इनकी रेडियस इक्वल नहीं है, इसकी रेडियस R1 और इसकी रेडियस R2 जो है वो इक्वल नहीं है। क्वेश्चन में लिखा R1 नॉट इक्वल्स टू R2, P तथा Q पर खींची गई स्पर्श रेखा है एक दूसरे को T पर मिलती है, P तथा Q पर खींची गई स्पर्श रेखाएं T पर मिलती हैं, पी टी क्यू अगर 40 डिग्री है तो बताइए पी बी क्यू कितने डिग्री होगा। तो जहाँ पर भी जितने भी लोग बैठे हैं और ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपके दिमाग में आएगा 140 डिग्री, और 140 डिग्री एकदम ठीक। लेकिन ध्यान देना, मैं क्लास में पूछता हूँ, अपनी जो मदर्स की क्लासेज चलती हैं ऑफलाइन क्लास जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, उसमें जब मैं पूछता हूँ कि इसका आंसर 140 डिग्री एकदम सही है लेकिन किसका आंसर 140 डिग्री अपना हाथ ऊपर करो, तो एक साथ तो 140 आता आंसर लेकिन हाथ ऊपर जब करना होता है तो कुछ लोग ही करते हैं, और जब मैं पूछता हूँ क्यों तो उनका आंसर क्या होता है, देखो आपके दिमाग में भी आएगा, मैं कहता हूँ 140 आंसर एकदम ठीक, 140 आंसर सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे बताओ क्यों, तो वो बोलता है कि सर यहाँ पर बना कोण 90 डिग्री, यहाँ पर बना कोण 90 डिग्री। देखो आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ये क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चन बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आप लोग उसको अच्छे से समझ पाओ। तो ये कोण अपने पास 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, मैं बोलता हूँ आपकी बात एकदम ठीक है, लेकिन ध्यान रखना रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है, इसकी रेडियस तो ये है, आपको किसने कहा कि ये इसकी रेडियस है, तो हाँ ये कोण 90 डिग्री नहीं होगा, उसके समझ में आ जाता है 90 डिग्री नहीं होगा, ये कोण भी 90 डिग्री नहीं होगा क्योंकि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है, ये किसने कहा कि ये अपने पास रेडियस है, तो ध्यान रखना पहली बात ये कोण 90 डिग्री नहीं होगा। अब मैं पूछता हूँ कि 140 डिग्री आंसर एकदम ठीक है लेकिन बताइए क्यों, तो कुछ लोग क्या करते हैं, अगला पॉइंट मैं समझा रहा हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि सर टीपी बराबर होगा टीक्यू के, ध्यान रखना दूसरा पॉइंट जिस जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होते हो मैं बताते चलता हूँ, एक ही जगह से डालेगी दोनों, एक ही सर्किल पर डालेगी दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, अलग अलग सर्किल पर डालेगी दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल नहीं होती, तो अब बताइए आंसर 140 डिग्री एकदम ठीक है लेकिन क्यों, उसका आंसर मुझे बताइए। तो स्टूडेंट लगभग क्लास में जितने भी लोग बैठे रहते हैं उसमें से या तो बता पाते हैं एक या बता पाते हैं दो, और यहाँ पर जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोगों के दिमाग में भी एक दो ही कॉन्सेप्ट थे, और उसके बाद अपने पास क्वेश्चन होगा कैसे, और क्वेश्चन उसी तरीके से होगा जितने पॉइंट्स मैंने परसों कल आज मैं बता रहा हूँ, कोई भी ऐसी थ्योरम नहीं है जो उससे बाहर आ जाए, कंप्लीट चीज़ें उन्हीं से सोल्व होंगी। तो देखो करने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ, आप लोग एक काम करो ए से बी को मिला दो, ये कोण कितने डिग्री होगा वो मैं बता रहा हूँ, ए से बी को मिला दीजिए
और ये वाला एंगल मान लीजिए एक्स है और ये वाला एंगल मान लीजिए वाई है, और मेरे बताने के बाद तुरंत आप लोग समझ जाते हो, अरे हाँ ऐसे कर लेते, अरे ये कॉन्सेप्ट लग जाता, लेकिन आपको दिमाग पहले चलाना है। आपको पता होगा कि अपने पास टेंजेंट व कोण के बीच अभी भी समझाया था ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, और ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ये कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी अपने पास थीटा होगा, ऐसा आपको पता है। टेंजेंट व कोण के बीच बना कोण थीटा है, तो इस साइड कहीं भी कोण बने वो थीटा होगा, ऐसा आपको पता होगा। तो ये अपने पास टेंजेंट है, ये कोण है, ये वाला एंगल अगर एक्स है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो भी अपने पास एक्स होगा, और ये वाला कोण अगर वाई है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये भी अपने पास वाई होगा। और मुझे बताइए, ये वाला एंगल आ गया एक्स प्लस वाई, और एक ट्रायंगल का ये और ये इनका सम ये 40 है, तो एक्स प्लस वाई का सम बचा 140 डिग्री, और यही अपना आंसर है। तो कॉन्सेप्ट आप लोग खुद भी इस चीज़ के क्लियर कर लेना, ये बात ध्यान रखना। एक आसान सा क्वेश्चन जो CDS में आया हुआ है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पर ही बेस्ड है, और उसका डायग्राम भी क्वेश्चन में आया था और सीधा सीधा हम लोगों से पूछा था इस प्रकार से। देखो क्या क्वेश्चन आया था, मैं समझाता हूँ। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये A पॉइंट है, ये B है, P तथा Q से A तथा B पर बने एंगल्स का सम बताइए। उसने ये कहा हम लोगों से, आप लोग बता दीजिए एंगल PAB, कुछ भी कोई PAQ, सॉरी PAQ प्लस एंगल PBQ, हम लोगों को कुछ भी नहीं दिया उसने, कोई भी पॉइंट कोई भी हमें न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी, और कहा कि ए व बी पर बने एंगल्स का सम आप लोग बताइए। तो अगर आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, जब तक ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक आप लोग उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। सर्किल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब तक आप लोग थ्योरम पढ़ लोगे और थ्योरम हमेशा याद रहेंगे, कोई भी उसमें लगाओगे क्वेश्चन में थ्योरम नहीं लगा पाओगे, और फिर कोई स्टूडेंट बताया, आपका कोई दोस्त बताया, टीचर अगर बताया कि ऐसे लगा लो तो तुरंत समझ में आ जाती है। तो थ्योरी जो है अपनी, थ्योरम्स जो हैं किसकी, सर्किल की, वो तभी लगा पाओगे जब आप लोग उन पर बेस्ड प्रैक्टिस करोगे। देखिए मैं समझाता हूँ कैसे आया। ये वाला अपने पास ए से बी को मिला दीजिए, ए से बी को मिला दो, और ये वाला एंगल अगर अपने पास ए है तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से आपको पता होगा ये वाला कोण अगर ए है तो इसके द्वारा इधर कहीं भी कोण बने, ये अगर टेंजेंट व कोण के बीच बना कोण ए है तो ये वाला कोण भी ए होगा। ये वाला कोण अपने पास ए है तो ये वाला एंगल भी ए होगा, ध्यान रखना। और ये वाला एंगल अगर बी यहाँ पर बना, ये वाला जो एंगल है ये भी अपने पास बी होगा। तो मुझे बताइए ये वाला एंगल कितना बचा, त्रिभुज है, पी बी क्यू ट्रायंगल है, ये ए है और बी है, और ट्रायंगल में मैं समझा चुका हूँ ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये अगर ए है ये बी है तो जो ये वाला एंगल होगा 180 माइनस ए प्लस बी। अब इन दोनों का सम पूछा है, ये एंगल तो है अपने पास पी ए क्यू तो है ए प्लस बी, और ये वाला एंगल है 180 माइनस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। ये अपना आंसर है, आया हुआ क्वेश्चन है और अपना आंसर है 180 डिग्री, आप लोग ध्यान रखना। देखिए एक इंपॉर्टेंट थ्योरम और उस पर बेस्ड फिर मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम अपने पास, और ध्यान देना फिर मैं वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूंगा और उसके बाद आपके लिए सोल्व करवाऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन आपका आज तक नहीं देखा हुआ और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपने आज तक नहीं किए होंगे, लेकिन 17 मेंस का जैसा पेपर आया है हो सकता है आगे हम लोगों को क्वेश्चन पूछे तो हम लोग उस चीज़ को सीखते हैं। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में चक्रीय चतुर्भुज में इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मेन ड्यूरेशन में। जैसे अपनी ज्योमेट्री खत्म होगी मैं अगला जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ए बी सी और डी, अगला जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो मेन ड्यूरेशन ही होगा, और मेन ड्यूरेशन में मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। यहाँ मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, या आप लोग पी क्यू आर एस मान लो, कोई भी पॉइंट मान सकते हो, ए बी सी डी पी क्यू आर और एस, जो भी पॉइंट आप लोग मानना चाहो। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, पी आर और एस क्यू जो दो डायगनल्स हैं, पी आर इंटू एस क्यू बराबर होता है, जो डायगनल्स हैं पी आर और एस क्यू बराबर होता है किसके, पी क्यू इंटू एस आर, पी क्यू इंटू एस आर प्लस आर क्यू इंटू एस पी,
ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आज तक इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आपके सामने कभी भी आ सकता है। पी आर इंटू एस क्यू बराबर होगा पी क्यू इंटू एस आर प्लस आर क्यू इंटू एस पी, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कैसे आया हुआ है अपने अच्छे एग्जाम्स में, किसी कैट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो किस टाइप से, देखो ध्यान रखना, दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन अपोजिट साइड्स के मल्टीप्लिकेशन और अपोजिट साइड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। कैसे आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए मैं समझाता हूँ। अपने पास लिखा हुआ है, फिगर भी दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर इस प्रकार से, एक बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख देता हूँ, नहीं तो पढ़कर भी बता देता आपको, लिख देता हूं मैं फटाफट, राइटिंग पर ज्यादा ध्यान मत देना है आप लोग। ये देखो हिंदी मीडियम वालों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी, ओनली इंग्लिश में ही हम लोग नहीं लिख सकते, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा कि उनको भी समझ में आए कि अपने पास लैंग्वेज आती कैसे है। इसलिए मैं आपको दोनों में ही क्वेश्चन लिखूँगा, अगर कोई क्वेश्चन पहले वाले वीडियोज़ में ओनली इंग्लिश में लिखा है तो मैंने उसकी हिंदी ज़रूर बोली होगी, तो आप लोग साथ साथ इंग्लिश में ही ओनली अगर मैंने कभी लिख दिया है तो आप लोग क्या करोगे उसको सुन लेना, हिंदी में भी मैंने साथ साथ बोला होगा वृत्तों को क्रम से, और आप लोग यहां से वीडियो थोड़ा सा आगे कर सकते हो 10 सेकंड का, क्योंकि 10 सेकंड आगे करते ही आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं आप लोग मेरे साथ साथ ही इस क्वेश्चन को पढ़ते चलो, आप लोग चाहो तो वीडियो को 10 सेकंड आगे कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये ज़रूर आप लोग करना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। एसएससी में इस लेवल पर क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखना इस क्वेश्चन को और अपने आप करने की कोशिश करना। स्पर्श करते हैं, यदि डी दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, डी दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीडी, सीडी का मान बताओ, कंप्लीट लिखा हुआ है, सीडी की लंबाई बताइए। क्वेश्चन के मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ, फिर से बनाऊंगा ऊपर समझाने के लिए, तो लेकिन एक बार क्वेश्चन के साथ ही मैं बना देता हूँ, तो आप लोग जो स्टूडेंट लिख रहे हैं वो साथ साथ ही लिख लेना। ए बी इसका सेंटर, इसकी रेडियस ये बी है, ये ए है, ये बी है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये अपने पास डी और ये अपने पास ई है, और हम लोगों से सीडी की लेंथ पूछी गई है, ठीक है ना। और ऑप्शन जो है अपने पास इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए हैं, टू रूट बी अपॉन रूट ए बी, रूट ए प्लस बी, बी ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है टू ए रूट बी अपॉन रूट में ए प्लस बी, और अगले दो ऑप्शन सेम है, इसके नीचे माइनस का साइन लगा दिया और इसके नीचे भी माइनस का साइन लगा दिया, अगले दो जो ऑप्शन हैं वो अपने पास सेम हैं, जैसे ये वाले ऑप्शन है ऐसे ही अगले दो ऑप्शन सेम हैं, एक बार एक में माइनस का साइन, इधर इसमें भी माइनस का साइन। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं आपको इसके लिए वापस समझाता हूँ, वापस बना रहा हूँ, क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखो ध्यान दो, यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है कि ये डायग्राम बना लेता हूँ, लिखा हुआ तो आप लोगों ने देख ही लिया है, मैं एक बार डायग्राम आप लोगों के लिए बना देता हूँ। इस प्रकार से दो सर्किल,
एक दूसरे को टच कर रहे हैं सी पर, इसकी रेडियस ए है, इसकी रेडियस बी है, ये रेडियस ए है, ये रेडियस बी है, और एक दूसरे को टच कर रहे हैं डी और ई पर, एक दूसरे को टच कर रहे हैं ये डी और ई पर, और हमें सी डी की लेंथ पूछी है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ सी डी? सी डी की लेंथ पूछी है, तो चलो करने की कोशिश करो, अपने आप करने की कोशिश कीजिए आप लोग। सी डी की लंबाई एक बार जहाँ पर भी आप लोग बैठे हो क्वेश्चन करने की कोशिश करना, जैसे आप लोग करने की कोशिश करते हो उसी से पता लगेगा कि आप क्वेश्चन कितने स्टैंडर्ड का है। बाकी तो आप लोग टेंजेंट की लेंथ वगैरह निकालना तो आता ही है, कल की क्लास में मैं वो भी समझाऊंगा। अगला जो लेसन होगा टेंजेंट, अभी ख़त्म नहीं होगा आज की क्लास में अगला, क्योंकि टेंजेंट इंपॉर्टेंट है, अगली क्लास में भी और उससे अगली क्लास में भी मैं टेंजेंट से रिलेटेड ही प्रॉपर्टीज आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इस पर आप लोग एक बार ध्यान दीजिए, ये ए है, ये बी है, ए है और बी है, ध्यान देना आप लोग। डी ई की जो लेंथ होगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच करें तो एक कल की क्लास में क्यों होता है समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ याद कर लेना, एक की रेडियस आर वन है, एक आर टू है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ जो होती है वो टू रूट आर वन आर टू होती है। जो भी चीज़ें मैं आगे बताने वाला हूं उसको आपको पढ़ाने का तरीका मेरा समझ में आ गया होगा। जो भी चीज़ें मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूं वो जो भी यहां काम आएगी वो एक बार लिख देता हूं, और जहां आएगी वहां मैं आपको प्रूव करके बता देता हूं। देखिए ठीक है, हटाओ इसको, तो यहां पर दोनों सर्किल टच कर रहे हैं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो होगी टू रूट ए बी। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ अगर टू रूट ए बी है, तो अगर यहां से हम लोग इसके यहां पर मिला दें तो ए की जगह से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना, ए की जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है, तो इधर एक जगह से ये पॉइंट पी मान लो आप लोग, इधर से डालेगी टेंजेंट्स की लेंथ बराबर और ये टेंजेंट इस सर्किल पर भी बराबर, इधर भी डालेगी टेंजेंट की लेंथ बराबर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बराबर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बराबर, तो ये मिड पॉइंट हो गया। तो डी से पी तक का जो मान आया अपने पास, डी से पी तक का, वो आ गया रूट ए बी, और ये वैल्यू भी अपने पास आ गई रूट ए बी, जो मैं आपको रेड अक्षरों में दिखा देता हूँ, रेड मार्कर से लिख देता हूँ, ये आया रूट ए बी, क्योंकि तीनों बराबर हो गए, और ये भी अपने पास आया रूट ए बी। पहली बात आप लोग ध्यान देना, इसका जो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है, तो क्या आप लोग ये सेंटर अगर ए है तो क्या आप ए पी का मान निकाल सकते हो क्या? हाँ ना, बताओ, 90 डिग्री का कोण है तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे क्या? और पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, ये अपने पास इसका स्क्वायर तो है ए स्क्वायर, और इसका स्क्वायर होगा ए बी इसका रूट। अब ध्यान रखना, हमें लेंथ पूछी है, सीडी की लंबाई पूछी है, हम लोगों को एपी का मान आ गया, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, ये आ गया, ये आ गया, हमें सीडी का मान पूछा है, और मुझे बताइए रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण अगर 90 डिग्री होता है तो ये 90, ये 90, अपोजिट एंगल्स का सम 180, अपोजिट एंगल्स का वन सम 180, तो क्या ए डी पी और सी क्या आपको एक चक्रीय चतुर्भुज दिखाई दे रहा है क्या? ए डी पी और सी आपको एक चक्रीय चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर आपको दिखाई दे रहा है तो अभी भी मैंने बताया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दोनों डायगोनल्स जो हैं एपी इनटू, दोनों डायगोनल्स एपी इनटू सीडी बराबर होगा अपोजिट साइड एसी इनटू डीपी प्लस एसी इनटू डीपी प्लस एडी इनटू पीसी प्लस एडी इनटू पीसी। ए से सी तक, ए से पी तक कितना होगा? ए से पी तक होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी का रूट इंटू सी डी। अब आगे ए से सी तक, बताओ ए से सी तक कितना है? ए, ए से सी तक ए है। डी से पी तक, डी से पी तक रूट ए बी। ए से डी तक, ए से डी तक है ए, और पी सी वही होगा रूट ए बी। तो अपने पास सी डी की लंबाई निकालनी है, सी डी की लंबाई आ गई टू ए इंटू रूट ए बी, ये दो बार आ गया, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा। यहाँ से हम लोग रूट ए कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा ए प्लस बी का रूट। अगर रूट ए कॉमन ले लें, यहाँ से ए कॉमन ले लिया तो अपने पास ए के बचा, यहाँ से कॉमन ले लिया तो अपने पास ओनली बी बचा रूट ए, रूट ए से रूट ए कट जाएगा तो टू इंटू ए इंटू रूट बी, रूट ए से रूट ए कट गया अपॉन रूट के अंदर ए प्लस बी, ये अपना आंसर है। वो आप ऑप्शन देख लेना कौन सा था, ए था या बी था, ऑप्शन देख लेना, ये अपना आंसर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के नहीं समझ में आए तो एक बार इसको रिवाइज करके वापस आप लोग देखिए।
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर बेस्ड क्वेश्चन जो एसएससी ने पूछा है एक चक्रीय चतुर्भुज इस प्रकार से। एक और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर बेस्ड, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया है तो मैं करवा देता हूँ आपको क्वेश्चन। ए बी व सी डी को बढ़ाने पर, ए बी व सी डी को बढ़ाने पर ए बी व सी डी को बढ़ाने पर ये थोड़ा सा छोटा बनाते हैं डायग्राम, है ना, क्योंकि दोनों तरफ बढ़ाना पड़ेगा फिर आपको दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार से इसने लिखा है, आपने देखा भी होगा ये क्वेश्चन, आपका पढ़ा हुआ भी होगा, नहीं पढ़ा हुआ तो आप समझ लो। ए बी व सी डी को बढ़ाने पर पी पर मिलते हैं और बुझाएं, ए डी व बी सी को बढ़ाने पर क्यू पर। इस प्रकार से अपने पास चतुर्भुज में ए बी व डी सी को बढ़ाने पर, है ना, ए बी व डी सी को बढ़ाया तो डी इधर मानो सी इधर, ए बी सी डी। अब इसने आगे लिखा है कि अपने पास ए डी व बी सी को बढ़ाने पर, ए डी व बी सी को बढ़ाने पर क्यू पर मिलता है ना, ऐसे डायग्राम बना लेना आप लोग, ये क्यू पर मिल रहे हैं और हमें कहा है ए डी सी बराबर, ए डी सी बराबर ये 85 है, ये एंगल 85 दिया हुआ है और बी पी सी बराबर 40 डिग्री, बी पी सी ये एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है। तो मुझे सबसे पहले आप लोग ये एंगल क्यों पूछा है, ये इतना दिया हुआ था, इनको आगे बढ़ाने पर इधर मिलता है पी पर, इसको आगे बढ़ाने पर मिलता है क्यू पर, ये एंगल और ये एंगल दिया हुआ है और ये एंगल क्यू पर बना एंगल हम लोगों से पूछा गया है। आप लोग मुझे ये बताइए, ये एंगल अगर 85 है और ये एंगल अगर 40 डिग्री है तो क्या आप लोग ट्राइंगल का तीसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये अपने पास 85 है, ये 40 है तो 125, 125 होगा तो ये वाला एंगल आ गया 55 डिग्री। और मुझे बताइए, ये एंगल अगर 85 है तो क्या जस्ट सामने वाला एंगल क्या 95 ही होना है क्या? क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज दिखाई दे रहा है और चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 85 तो जस्ट सामने वाला 95, ये 95 है ये 55 है, तो क्या त्रिभुज का तीसरा एंगल, ट्रायंगल ए बी क्यू की बात कर रहे हैं, त्रिभुज का तीसरा एंगल, इनको ऐड किया तो 150, तो तीनों का सम होता है 180, तो क्या ट्रायंगल का तीसरा एंगल 30 डिग्री बच गया क्या? ये अपना आंसर है। एक दो क्वेश्चन आपको समझाने के लिए मैं और करवा देता हूँ, और समझा देता हूँ। एक ही जगह से डाले गए दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा बराबर होती है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से है डायग्राम बनाया हुआ है क्वेश्चन में, मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से अपने पास एक सर्किल है और यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है अपने पास ए से क्यू पर और ए से आर पर दो टेंजेंट्स डाली गई, इसने लिखा है, ये डायग्राम भी दिया हुआ है और साथ साथ लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। ए से अपने पास क्यू पर और ए से अपने पास आर पर, ये इधर एक पॉइंट पी है, ये बी है और ये अपने पास सी है। इसने लिखा है कि यदि त्रिभुज का परिमाप अगर 16 सेंटीमीटर है तो ए क्यू की लंबाई बताओ। यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर 16 है तो ए क्यू की लेंथ बताइए, तो ध्यान देना बोर्ड पर और कोशिश करना सीखने की। यहाँ पर इस प्रकार से है, तो इसका पेरीमीटर दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 16, पेरीमीटर दिया हुआ है इसका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 16। क्या मुझे बताइए बी सी की जगह, आप लोग सारे लोग ध्यान दो, क्या बी सी की जगह बी पी प्लस पी सी लिख सकते हैं क्या? बी सी की जो लेंथ है बी पी प्लस पी सी, ए की जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है बी से पी तक, इस पॉइंट से ए की जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर, तो बी से पी जहां पर है उसकी जगह हम लोग बी क्यू भी लिख सकते हैं। ए की जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर सी से पी तक और सी से आर तक बराबर होगा, इसकी जगह सी आर भी लिखा जा सकता है प्लस सी ए बराबर 16। अब मुझे ये बताइए ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू को डायरेक्ट आप लोग ए क्यू लिख सकते हो और इसको लिख सकते हो ए आर बराबर 16, और ए की जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है तो दो बराबर बराबर संख्याओं को ऐड करने पर अगर 16 आ रहा है तो पहले वाला ये भी 8 होगा और दूसरे वाला ये भी अपने पास 8 ही होगा। तो ध्यान रखना इसका पेरीमीटर अगर कभी दिया हुआ है इस प्रकार से ये याद भी रख सकते हो तो ये हमेशा इससे आधा होगा, या इसकी लेंथ देकर ट्रायंगल का पेरीमीटर हम लोगों से पूछ सकता है, कोण की लेंथ देकर ट्रायंगल का पेरीमीटर अगर पूछे तो ये हमेशा इससे डबल होगा, 8 देकर 16 आंसर होगा या अपने पास 16 देकर 8 आंसर होगा।
फिर से देखिए, एक क्वेश्चन और समझाता हूं मैं आप लोगों को, ध्यान देना। एक आया हुआ जो क्वेश्चन है आपके सामने फिर आ सकता है, आसान सा क्वेश्चन है अपने पास इस प्रकार से। बाहर से डालेगी दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा सर टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा इक्वल होती है। ये इस प्रकार से कोई भी एक चतुर्भुज फटाफट देख लीजिए, ए बी सी और डी। क्वेश्चन में गिवन है बी बराबर 90 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है बी बराबर 90 डिग्री, और इस डायग्राम पर ही लिख देता हूं जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ए डी की लेंथ 23 है, ए बी की लेंथ 29 है, और ये अपने पास पॉइंट दिए हुए हैं पी क्यू आर और एस, और इसकी लेंथ हम लोगों को दी हुई है 5 डी एस की लेंथ। तो रेडियस हम लोगों से पूछी गई है, कोशिश करना समझने की। ये एक ही जगह से डालेगी डी एस की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक 5 दी हुई है, एक ही जगह से डालेगी टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा। ये 23 था, इधर वाला 5 तो इधर वाला होगा 18, क्योंकि एक ही जगह से डालेगी टेंजेंट की लेंथ बराबर, तो ये 18 है तो ये भी 18 होगा। और ये 18 है, टोटल 29 था, ये 18 है तो ये होगा 11, और ये अगर 11 है तो ये भी 11, और ये कोण 90 डिग्री दिया हुआ है। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। अगर एक चतुर्भुज के तीन कोण 90 हैं तो क्या चौथा भी 90 ही होना है क्या, और दो एडजेसेंट साइड बराबर हैं तो रेडियस आ गई 11, ये अपना आंसर है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी की चीज़ें हम लोग अपने अगले लेसन में कल पढ़ेंगे। कल शाम को फिर मिलते हैं, और आपको अगर सही लगा तो इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कर किया करो उसको, है ना, और लाइक किया करो, कमेंट किया करो, ऐसे काम तो किया करो आप लोग। और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी की चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में कल इवनिंग में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।